फतेहाबाद में आज लगातार दूसरे दिन चोरी की बड़ी वारदात सामने आई। चोर ने दिन दहाड़े मकान पर सेंधमारी करते हुए लाखों रुपए के गहने चुरा लिए। शातिर चोर सतीश कॉलोनी में वन विभाग में कार्यरत क्लर्क के घर में घुसकर 8 तोले सोने के गहने और अन्य कीमती सामान चुराकर फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक वारदात के वक्त पति पत्नी दोनों अपनी अपनी जॉब पर गए हुए थे। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। बता दें कि घटना की एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें एक युवक घर के बाहर ताक झांक करता और फिर गेट को फांदता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले कल ठाकर बस्ती में भी एक घर को निशाना बनाते हुए वहां से हजारों की नकदी और चांदी के गहने चोरी कर लिए गए थे। और मैं और मेरे हस्बैंड, मैं स्कूल गई थी, मेरे हस्बैंड जॉब पे गए हुए थे अपने। हम दोनों ऑफिस, वो ऑफिस से आए, मैं स्कूल से आई हूँ खाना खाने के लिए, और देखा तो आपके दरवाजा खुला हुआ था, अलमारी टूटी हुई थी, उसमें सारा सोना गायब था मेरा। कितना था जी सोना, कोई पता लगा? तोले होगा। क्या क्या नुकसान हुआ जी आपके? एक सोने का सेट था। कितने तोले? टॉपस थे, 5 का था। देखिए टॉपस था और रिंग थी, उसके पापा की थी, मेरी थी। तो आपका हस्बैंड क्या काम करते हैं जी? गवर्नमेंट जॉब पे है, क्लर्क है। किस विभाग में? वन विभाग में। आप किस पोस्ट में, कौन से स्कूल में जी? मैंने कराची ज्वाइन कर रखा है, छोटी क्लास टीचर हो जी? हाँ जी। और फैमिली में कौन कौन है जी? मम्मी पापा। घर पे कोई था या उसके कोई भी नहीं था? घर पे कोई भी नहीं था। कितने बजे घटना है ये? हम 9 बजे गए हैं और 1:30 बजे आए हैं। 1:30 बजे ड्यूटी, खाना खाने आए हो? हाँ जी। तो कौन से वार्ड में है ये, कौन से मोहल्ला? फिलहाल पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है और सीसीटीवी के आधार पर शातिर चोर की पहचान की जा रही है। अब देखना होगा कि आरोपी की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। फतेहाबाद से रमेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।